स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम टू ऑनलाइन क्लास अगेन फॉर द पैथोलॉजी सेक्शन। सो टुडे वी आर डिस्कस द केमिकल सेल इंजरी। इससे पहले भी मैंने आपको हाइपॉक्सिक सेल इंजरी के बारे में बताया था। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, तो ये केमिकल सेल इंजरी है, तो केमिकल से होगी। हम वेरियस फूड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाज़ार से जो हम चीज़ें खाते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन केमिकल्स जो यूज़ किया जाता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो कि हमारे लीवर सेल को डैमेज करता है। तो सबसे ज़्यादा सेल इंजरी, और बाद लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है और वो कहते हैं हमें हेपेटाइटिस क्यों हुआ है। वो अपने वायरस के टेस्ट भी कराते हैं लेकिन उनका हेपेटाइटिस हुआ हुआ होता है। तो वो वन ऑफ द कॉज इज़ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड करता क्या है? ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे जो लीवर है उसमें एक एंजाइम सिस्टम होता है जिसे P450 कहते हैं, P450, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेज सिस्टम होता है, ये मुख्तलिफ हम जो भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं ये उसे मेटाबलाइज करता है, यानी उसे तोड़ता है। तो ये जो आंसर है, जो ही कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे जिस्म के अंदर आता है तो किसी भी फॉर्म में, तो ये उसे पोजेस कर लेता है P450, और P450 फिर से जो P450 होता है ये सार्कोप्लाज्म, स्मूथ सार्कोप्लाज्म एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर होता है, जो कि फिर बाद में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर देता है जिसे CCL3 कहते हैं। तो CCL3 ये फिर सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ हो जाता है, और उसके बाद ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन ऑफ द इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन करता है। लिपिड पर ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा। जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा तो जितने राइबोसोम हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी। आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो अपोप्रोटीन भी नहीं सिंथेसिस होगी, जो लाइपोप्रोटीन्स की होती है, ठीक है। तो अपोप्रोटीन आपको पता है डाइजेशन में, फैट सेल की डाइजेशन में हेल्प करती है। तो अगर ये भी नहीं सिंथेसिस होगी, इसके बाद होता क्या है कि तकरीबन सारे का सारा लाइपोप्रोटीन्स है वो इंट्रासेलुलर जमा होना शुरू हो जाता है और फैटी चेंज की सूरत में आता है, ठीक है। एक तो ये हो गया डिस्टिंग्विशन ऑफ द राइबोसोम, जिसकी वजह से आपका जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए डैमेज हो गया क्योंकि लिपिड पर ऑक्सीडेशन होगी, वो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी सारे मेम्ब्रेन में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसकी वजह से सेल स्वेल हो जाएगा। सेल जो ही स्वेल होगा तो फिर मौका मिलेगा जौन से कैल्शियम को अंदर आने का। सो कैल्शियम जो ही अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाएगा और फाइनली सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये केमिकल सेल इंजरी है, ठीक है। इस